बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्टर फ्राइड मैक्रोनी। स्टार्ट करें जी। तो हमारी जो आज की रेसिपी है स्टर फ्राइड चिकन मैक्रोनी, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है और ऑयल में इसमें ऐड करेंगे तो इस सब का पेस्ट फ्राई करेंगे। मैंने फ्राई किया, मैं इसमें 150 ग्राम चिकन ऐड करूंगी। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे मैंने गोलियां कर ली थी, तो फ्राई करेंगे। अच्छा, देख सकते हैं फ्राई किया मैंने इसको, मैं थोड़े से पानी ऐड कर रही हूँ करने के लिए इसको। हमारी जो है हो चुकी है, तो मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप शिमला मिर्च। मिक्स करेंगे 2 मिनट तक। अच्छा देखिए, इसको मैंने कुक किया, ठीक है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरी प्याज 1 कप। दोबारा मिक्स करेंगे और इसको मैं कुक करने के लिए थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे। हाफ एंड हाफ से भी कम, 2 मिनट पकाएंगे। अच्छा देखिए, इसे ज़्यादा नहीं पकाना आपने, ठीक है। अगर ये इसमें से ख़त्म हो जाएगा क्रंची इसका जो अपना होता है, तो उसका फ्लेवर नहीं आएगा, सब्जी होगा। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस 2 टेबल स्पून। इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। इसके साथ मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून क्रश है ये, इसको मिक्स करेंगे 2 मिनट कुक करेंगे। इसका नमक भी ऐड कर दें। नमक जो है मैं अपने हिसाब से इसमें ऐड कर रही हूँ, जितना आपको चाहिए आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चिली गार्लिक सॉस। डेढ़ खाने के चमचे। और अगर आपको इसमें ज़्यादा फ्लेवर पसंद है चिली गार्लिक सॉस का, तो आप ज़्यादा। अब क्या करेंगे, थोड़ा हल्का करेंगे, मिक्स करेंगे। एंड अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपनी मैक्रोनी। सही है, मैक्रोनी को मैंने बॉईल कर लिया था और पहले मैंने पानी को बॉईल किया अच्छे तरीके से, उसके बाद तब मैक्रोनी ऐड करी, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया 2 टेबल स्पून के करीब और उसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है, चिकन स्टर फ्राई मैक्रोनी, बिल्कुल रेडी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चाहे तो केचप के साथ या गार्लिक के गार्लिक सॉस केचप जो होता है उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। और मुझे बताइएगा कि आपको मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी, कमेंट सेशन में फिर आएगा ज़रूर दीजिएगा। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम में जा सकते हैं।